तारीख था 5 अगस्त 2019। ऑनरेबल होम मिनिस्टर राज्यसभा में रेजोल्यूशन मूव करते हैं। रेजोल्यूशन का उद्देश्य था आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को रिवोक करना और जेएनके को बाइफर्केट करके जेएनके को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन क्रिएट कर सके। अभी हाल ही में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के 4 साल पूरे हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 अगस्त से डे बाय डे हियरिंग चालू की हुई है। ऐसे में कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर क्या बातें की गई हैं? 4 साल बाद जेएनके का क्या हाल है? आइए इन सभी सवालों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में इसे ढूंढते हैं कि आखिर तब क्या बातें हुई थी। आर्टिकल 370 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 306 ए की शक्ल में इंट्रोड्यूस किया गया। तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अमेरिका में थे। इसे ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी गोपाला स्वामी अयंगार को दी गई थी। आगे डिस्कस करेंगे कि जब संविधान के ऑलमोस्ट सभी प्रोविजंस को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को दी गई थी, तब ये जिम्मेदारी गोपाला स्वामी को क्यों दी गई थी। बाद में मोशन उसी दिन अडॉप्ट कर लिया जाता है और आर्टिकल 306 ए आर्टिकल 370 का शक्ल ले लेता है। जिस दिन इंट्रोड्यूस किया गया था यानी 17 अक्टूबर 1949 को, हसरत मोहानी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करने की वजह पूछी, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। गोपाला स्वामी अयंगार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिससे अनप्रिंसली स्टेट्स के मुकाबले कश्मीर अभी भी इंटीग्रेशन के लिए मैच्योर नहीं हो पाया है। यहाँ एक वाजिब सवाल खड़ा होता है कि हसरत मोहानी को जवाब देने वाले गोपाला स्वामी अयंगार कौन थे, उन्हें ड्राफ्ट करने का जिम्मा क्यों दिया गया था। गोपाला स्वामी अयंगार बेसिकली पंडित नेहरू के कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर थे। उन्हें यह जिम्मा इसलिए दिया गया था क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर एक पैराडॉक्स की ओर इंगित करते हैं कि आप ऐसा इंडिया चाहते हैं जो कश्मीर को डिफेंड करे, कश्मीर के लोगों को ऑल ओवर द इंडिया इक्वल राइट दे, लेकिन आप इंडिया के लोगों को कश्मीर में उनकी राइट देने से इनकार कर रहे हैं। इनके इनकार की वजह से पंडित नेहरू ने यह काम गोपाला स्वामी अयंगार को सौंप दिया था। अब चलते हैं इसके दूसरे और मुख्य पिलर की ओर। आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन को किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था या परमानेंट प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि टेम्पररी प्रोविजन फ्रेज को मिसअंडरस्टूड किया गया है। वे कहते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को फोर्स में आता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर के लिए 1951 में फॉर्म होती है। जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1957 को इफेक्ट में आया। कपिल सिब्बल आर्ग्यू करते हैं कि सिर्फ इन 7 सालों के लिए ही यह टेम्पररी प्रोविजन था। इसके अलावा इसका दूसरा आर्गुमेंट यह देते हैं कि आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी चेंजेस जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर है, ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सीज होने के बाद इसे अल्टर करने का प्रेसिडेंट का पावर भी खत्म हो जाता है। इसके साथ ही तीसरा आर्गुमेंट संपत प्रकाश वर्से स्टेट ऑफ जेएनके 1968 के केस से आता है। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली कहता है कि यह एक परमानेंट फीचर है, जबकि इसके काउंटर आर्गुमेंट्स क्लेम करते हैं कि यह टेम्पररी प्रोविजन था। इसके लिए 4 आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 370 का टाइटल एक्सप्लिसिटली कहता है कि यह टेम्पररी था। सेकेंड, आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को इनऑपरेट कर सकते हैं, यह इंडिकेट करता है कि यह टेम्पररी प्रोविजन था। थर्ड, विजया लक्ष्मी झा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट इसे ना सिर्फ टेम्पररी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रॉड भी कहता है।
फोर्थ, हर्षद मोहानी के सवाल पर गोपाला स्वामी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाब यह इंडिकेट करता है कि यह प्रोविजन टेम्पररी था। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ कि क्या यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ विट्रेल है। आर्टिकल 370 को चैलेंज करते हुए आर्गुमेंट किया जा रहा है कि जेएनके का इंडिया के साथ एक्सेशन कुछ टर्म्स के बेसिस पर हुआ था, उसमें आर्टिकल 370 केंद्र में था। काउंटर आर्गुमेंट में दो एग्जांपल्स दिए जाते हैं। फिर भी पर्स भी एक इम्पोर्टेंट टर्म था प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने के लिए, लेकिन समय के साथ यह बदला और लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। फाइनली इंदिरा गांधी के लीडरशिप ने इसे एबोलिश कर दिया। कमोवेश यही टर्म जमींदारी एबोलिशन के साथ भी हुआ। फ्यूडल एलिट्स को ग्रेटर गुड के लिए अपना पावर गिव अप करना पड़ा। ऐसे में जब यह समझ आए कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए आर्टिकल 370 का मिसयूज कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज लागू करने में दिक्कत हो रहे हैं, तो इसे एबोलिश किया जा सकता है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 के एबोलिश करने का तरीका जायज था या नहीं। अपोजिशन आर्गुमेंट पेश करते हैं कि आर्टिकल 370 का क्लोज 3 मैंडेट करता है कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन कंपल्सरिली लिया जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट यह पेश किया जाता है कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तब इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में नहीं था और प्रेसिडेंट रूल था। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 92 कहता है कि प्रेसिडेंट रूल लागू करने से पहले 6 मंथ का गवर्नर रूल कंपलसरी है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट ने 6 महीने के पहले ही प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया था। 19 जून को गवर्नर रूल लागू होता है और 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। इसका काउंटर आर्गुमेंट यह कहता है कि प्रेसिडेंट रूल जब दोनों सदन में पास किया जा चुका है तो यह एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट रूल है। चूंकि इंडिया का फेडरल नेचर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, यानी कि यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि स्टेट को कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट स्टेट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है। इस क्रम में चौथा सवाल है पावर ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर कि क्या उनके पास पावर है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकें। आर्टिकल 370 का क्लोज 3 कहता है कि जेएनके के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन की जरूरत है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही ही नहीं तो एब्रोगेट करने का प्रेसिडेंट के पावर कहां से बचेगा। दूसरा आर्गुमेंट यह कहता है कि आर्टिकल 370 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट मींस महाराजा, जो कि बाद में सदरे रियासत के पास था, इसलिए प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस को एक्वायर करे। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्लेम करता है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से पहले आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट लाया गया था। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट के फ्रेज को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में तब्दील किया गया था। इसके अलावा पूरन लाल लखनपाल वर्से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जेएनके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अमेंड कर सके, इसलिए प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकता है। फिफ्थ बेसिक चैलेंज का है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पार्लियामेंट इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है? अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो प्रेसिडेंट जेएनके स्टेट गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है और पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को। यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर को पावर ट्रांसफर करता है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट अगर कंकरेंस दे तो बात समझ में आए, लेकिन प्रेसिडेंट खुद के डिसीजन को खुद ही कंकरेंस कैसे दे सकते हैं? क्या यह कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं होगा? दूसरा, प्रेसिडेंट रूल बेसिकली एक इंटरिम अरेंजमेंट होता है जब तक कोई नई गवर्नमेंट पावर में ना आ जाए। क्या ऐसे में प्रेसिडेंट स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है? अगर हाँ तो आधे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू करके आर्टिकल 368 के तहत फेडरल अमेंडमेंट में बदलाव करना क्या जायज माना जाएगा? इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट प्रेमनाथ कौल वर्से यूनियन ऑफ इंडिया 1959 के केस में कहता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूवल मिलना जरूरी है। इसका काउंटर आर्गुमेंट यह कहता है कि आर्टिकल 370 भी प्रेसिडेंट ऑर्डर से ही लागू किया गया था। पहला तब जब 26 जनवरी 1915 को तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू
जेएनके के सब्जेक्ट का डिवीजन किया था। सेकेंड, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ जिसमें रेसिड्यूरी पावर को जेएनके के पास देने की बात की गई, जबकि बाकी के स्टेट्स के लिए रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास ही होता है। इसे भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही पावर किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ केस ऑफ कलर लेबल लेजिस्लेशन। आर्गुमेंट यह कहता है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कलर लेबल लेजिस्लेशन का केस है, यानी किसी चीज का डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली कर दो। वो कैसे? पहली बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए थी, इसे रिनेम करके लेजिस्लेटिव असेंबली तो किया गया, लेकिन प्रेसिडेंट के ओपिनियन को लेजिस्लेटिव असेंबली की ओपिनियन एज्यूम किया गया, यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव असेंबली की ओपिनियन भी नहीं ली गई। इसके अलावा आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट की बाउंड्री और नेचर चेंज करने से पहले प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली की ओपिनियन लेनी चाहिए, लेकिन नहीं ली गई। इसका काउंटर आर्गुमेंट यह कहता है कि केशवानंद भारती केस ने पार्लियामेंट को बेसिक स्ट्रक्चर छोड़कर किसी भी चीज को बदलने की अनुमति दी थी। आर्टिकल 370 बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट कहता है कि वैसे भी आर्टिकल 3 के अनुसार लिए गए स्टेट के ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होते, यहाँ तक कि स्टेट के बॉर्डर या नेचर सिंपल मेजोरिटी से चेंज करने की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। अब चलते हैं थर्ड पिलर की ओर। इन 4 सालों में जम्मू एंड कश्मीर में क्या बदला है? फर्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन लैंड ओनरशिप। अगर कोई 15 सालों से वहां रह रहा हो या 7 साल वहां स्टडी किया हो तो उसे डोमिसाइल प्रोवाइड किया जा सकता है। सेकेंड, आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 14,000 करोड़ के ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए थे, लेकिन लास्ट के 2 सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल लगभग 80,000 करोड़ से भी ज्यादा आ चुके हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर 1.88 करोड़ टूरिस्ट विजिट किए थे, इससे आम लोगों को रोजगार भी मिला है। साथ ही ऑफिशियल स्टेट्स यह कहते हैं कि कश्मीर में रेडिकलिज्म जो है दिन ब दिन डिक्लाइन हुआ है, लोकल लोग मिलिटेंसी से अपने को दूर कर रहे हैं और टेररिस्ट की किलिंग भी घट रही है। इससे पाकिस्तान को भी डिमोटिवेशन मिल रहा है, उसकी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट की पॉलिसी बैक सीट पर चली गई है। इसके अलावा फिफ्थ, इसने 2 बड़े मिथ तोड़े हैं कि कश्मीर का सेपरेटिज्म ऑर्गेनिक और लोकल है, और दूसरा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को न्यूक्लियर होने की वजह से ऐसे चेंजेस संभव नहीं है। इस पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने इन 3 बातों पर डिस्कशन किया। पहला, आर्टिकल 370 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट। दूसरा, किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा रहा है। तीसरा, 4 सालों बाद जम्मू और कश्मीर में कितना कुछ बदला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू गेट PDF ऑफ दिस डिस्कशन यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एज वी नो एन आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज अ प्लांट नीड्स वाटरिंग, देयरफॉर इट्स योर ड्यूटी टू लाइक, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.